नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। इस वक्त हमारे समक्ष है खेतान स्टील सप्लायर और MSMD खेतान के डायरेक्टर अशोक खेतान साहब जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी अनलॉक के बाद जो सिचुएशन जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे इकोनॉमी बाउंस बैक हुई है, काफी लोगों में उत्साह है, मार्केट में भी उत्साह है, तो इस संदर्भ में आप बताइए किस तरह मार्केट फ्लोरिश हो रहा है, क्या है मार्केट की स्थिति है, एक आप स्टील व्यापारी हो उस बारे में बताइए। जब से लॉकडाउन खुला उसके बाद से मार्केट में तो ग्रोथ काफी बढ़ा है, स्टील का डिमांड भी काफी बढ़ गया है और रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया है। रेट कंटिन्यूस स्टील के एक प्रकार से राइज, बहुत ज्यादा राइज हो गए, जो कोई उम्मीद ही नहीं थी। पिछले दिवाली के बाद से अभी तक 20,000 रुपए टन की लगभग लोहे में तेजी आ चुकी है, तो उसके कारण थोड़ा सा रेट बढ़ने से अभी थोड़ा डिमांड में फर्क पड़ गया है। काफी प्रोजेक्ट्स रुक गए उस रेट बढ़ने से, काफी प्रोजेक्ट में डिमांड कम हो गई है। तो बात की जाए क्रेडाई की या अपने बिल्डर एसोसिएशन की बात की जाए, तो हमेशा उनका बोलने का मीनिंग यही होता है कि मतलब जो रॉ मटेरियल्स जो हमारे कंस्ट्रक्शन में जो स्टील है, सीमेंट है, स्पेशली स्टील, इसमें काफी बढ़ोतरी होने की वजह से हमारे पूरे के पूरा पूरे बिजनेस हैम्पर हो रहा है। हैम्पर बहुत ज्यादा, कॉस्ट बढ़ रही है, लोग आ नहीं रहे, बायर्स का रुझान भी कम होते जा रहा है, तो इस संदर्भ में आप क्या कहोगे? रेट काफी बढ़ने से ये फर्क तो पड़ ही गया, स्टील सेक्टर जितना भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है काफी उनको एकदम उनका कॉस्ट बढ़ने से वो प्रोजेक्ट का यानी दे ही नहीं पा रहे वो बराबर कस्टमर को, यानी रेट बढ़ने से काफी ज्यादा स्टील और सीमेंट दोनों में रेट ज्यादा हाइक हो गया है और गवर्नमेंट का कोई उस पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं है, वो सब NDCDX इसके कारण काफी रेट में फ्लक्चुएशन होने लग गया, व्यापार करना बहुत तकलीफदायक हो गया अभी। यानी 5-5, 6-6 हजार रुपए टन बढ़ना घटना ऐसा हो गया, पहले तो क्या 100-200 रुपए बढ़ता था तो भी बहुत हो जाता था, अब तो 5,000 रुपए टन बढ़ जाता, 5,000 रुपए कम हो जाता, इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है। यानी हमारा 7-8 महीने तो पूरा उसमें बिजनेस ठप ही हो गया था, मतलब पूरा काम ही बंद था। अभी ये साल भर से थोड़ा पिछले दीपावली से थोड़ा सा मार्केट में यानी अच्छा डिमांड बढ़ी है लोहे की और रेट भी काफी बढ़ने से थोड़ा सा डिमांड अच्छी है और इस दिवाली के बाद से थोड़ा सा रेट डाउन होना चालू हो गया वापस से, अभी 5-7 हजार रुपये टन छूट गया रेट अभी ये 10-12 दिन में स्टील में। सर अभी मेरा तो सब ट्रेडिंग का काम है, तो मेरा ऑल ओवर विदर्भ और यहाँ से महाराष्ट्र, मुंबई और आज अभी GST चालू होने से सभी जगह अपना माल जाने लग गया है। GST आने से हमको स्टील वालों को बहुत अच्छा हो गया है कि मैंने काम बहुत इफिशियंटली हो रहा है और सभी जगह हमारा धुलिया, जलगांव, मालेगांव, अकोला, अमरावती पूरा जगह ट्रेडिंग होता है, सब ट्रेडिंग सेल ज़्यादा है हमारा, जितने भी वहाँ के दुकानदार है वो हमसे माल खरीदते हैं और अब थोड़ा रिकवरी तो कम ज़्यादा चलते रहती है, हम स्टील में थोड़ा रिकवरी तो कभी लेट कम ज़्यादा चलती है, स्टील रोलिंग मिल वाले स्टॉक करके फिर रेट कम ज़्यादा करना वो सब बहुत बड़ा गेम हो गया आजकल, पूरा इंटरनेशनल बाजार होने से तेजी मंदी इतनी हो ज़्यादा हो गई है कि उस पर डिपेंड हो गया पूरा इंटरनेशनल बाजार। मार्केट में ग्रोथ अच्छा दिख रहा है और आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ काफ़ी दिख रही है, तो उससे स्टील में डिमांड रहेगी और बाजार में ऐसा लगता है कि आगे चल के तेजी। अंकित खेतान, आप एक यंग एंटरप्रेनर्स हो, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का स्टील में ट्रेडिंग चल रही है, क्या अभी हालात बने हुए उस बारे में बताइए। अभी स्टील में काफ़ी मार्केट का काफ़ी बड़ा हुआ है, डिमांड बहुत अच्छी है, जैसे कि अपन सब देखते आ रहे हैं कि मोदी जी के गवर्नमेंट आने से, BJP के आने से और गडकरी जी जिस प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अभी रोड्स, फ्लाईओवर्स, उस पर काफ़ी गवर्नमेंट का बोलना है कि भाई इकोनॉमी को बढ़ाते हुए और चाइना के कंपेरेटिवली इंडिया को अपन देखते हुए कि देश की इकोनॉमी बढ़ाते हुए गडकरी जी का ही बोलना है कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर उनका बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंडिया में अभी उनका ये बोलना है कि भाई वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो है इंडिया, इसीलिए वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत सारी बढ़ी हुई है और उसी कारण से स्टील में बहुत अच्छी डिमांड लास्ट 2-3 साल से देखी जा रही है। मेरा ये कहना रहेगा कि अभी वर्ल्ड ओवर ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, आप देखा जाएगा कि अभी चाइना में उन्होंने बेसिकली गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वहाँ पे बैन कर दी है, उन्होंने बोला है कि उनको ग्रीन इकोनॉमी की तरफ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है, वहाँ पे फैक्ट्रीज बंद होने के कारण इंडिया से काफ़ी सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है वर्ल्ड में
आप चाइना पकड़ लीजिए, आप रशिया पकड़ लीजिए, आप अमेरिका में पकड़ लीजिए, यहाँ से काफी सारा माल जो है रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट बहुत हो रहा है, एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी है इंडिया से। इसी कारण से वो डिमांड देखते हुए अपना डोमेस्टिक बाजार में भी काफी तेजी दिख रही है, डिमांड बहुत ज्यादा अच्छी है। और चाइना में भी वहाँ पे फैक्ट्रीज का बंद होने से इंडिया को उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला है, यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने से उसी कारण से स्टील की डिमांड और उसके रॉ मटेरियल के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, और सभी तरफ अच्छी तरह से स्टील की डिमांड को देखते हुए बाजार काफी तेज है। इस बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आप कस्टमर्स के तरफ भी नहीं देखेंगे, मैन्युफैक्चरर के तरफ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये बाजार जो बढ़ता घटता है वो किसी के हाथ में नहीं होता, ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। अगर डिमांड अच्छी होती है तो बाजार बढ़ता है, और रॉ मटेरियल्स के रेट, और जो पिछले एक आध महीने में देखा है कि कोयले के जो रेट्स है बहुत ज्यादा बढ़े हुए, आप कुकिंग कोल बोले या आप इंटरनेशनल कोल बोले जो इंडोनेशियन वगैरह से आता है इम्पोर्टेड कोल, उनके रेट बहुत ज्यादा बढ़ने से आप देखा जाएगा कि भाई उसी कारण से रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़े हैं। तो बेसिकली सारे फैक्टर्स उसमें मिलाए जाए तो उस कारण से रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़े हुए, तो उससे फायदा ऐसा एक्चुअली किसी को भी नहीं है, ना मैन्युफैक्चरर को है ना ट्रेडर को है, बेसिकली रेट ओवरऑल रॉ मटेरियल के बढ़ने के कारण ही रेट बढ़े गए हैं, इसमें बहुत ज्यादा फायदा किसी को भी नहीं है। अभी मुझे लगता है कि 2-3 साल जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऐसा लगता है मुझे डिमांड काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फ्लाईओवर्स बनाना, मेट्रोज बनाना, तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 साल तक बाजार अच्छा रहना चाहिए, बाजार ऊपर ही रहेगा। खेतान जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरह मार्केट का दौर चल रहा है स्टील मार्केट का, उस बारे में बताइए। स्टील का जो बाजार इस वक्त चल रहा है बहुत ज्यादा तेजी मंदी का है, और कॉस्ट बढ़ने से कंज्यूमर, जो व्यापारी छोटे छोटे कंज्यूमर है या छोटे छोटे मकान बनाने वाले, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बॉदरेशन हो रहा है, और इसके कारण है रॉ मटेरियल जो चैन चलती है रॉ मटेरियल की, वो चैन तेजी मंदी लाती है बाजार में, जिससे कंज्यूमर को उसका नुकसान होता है। एक तरफ बिल्डर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि कार्टेलाइजेशन की वजह से रेट में फ्लक्चुएशन हो रहा, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल उनका कहना सही है कि कार्टेल होने से क्या होता है कि अचानक एकदम से रेट बढ़ा दिए जाते हैं, और जब उनकी डिमांड नहीं रहती है, जो कार्टेल करते हैं उनको जब जरूरत नहीं रहती है माल की, वो एकदम से रेट डाउन कर देते हैं, जिससे ट्रेडिंग छोटे छोटे दुकानदारों को उसका काफ़ी लॉस होता है। तेजी आती है जब रॉ मटेरियल महंगा होने से हमको फिनिश माल मिलता नहीं है, और हमको ऑलरेडी कंज्यूमर को उस वक्त महंगा बेचना पड़ता है, जिससे कंज्यूमर भी हमारे नाराज होते हैं और उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरा वही बोलना है कि जो मैन्युफैक्चर कार्टेल करके माल बेचते हैं उस वक्त हमारे को जो बोलते हैं कि बाजार में बहुत तेजी आने वाली है, उससे हम उस वक्त हमको बहुत महंगे में माल लेना पड़ता है, और बाद में जब उनका सेल क्लोज हो जाता है वो क्या करते हैं, एकदम से रेट डाउन कर देते हैं, स्टॉकिस्ट को ज़्यादातर नुकसान होता है। हम दुकानदारों को कॉस्ट बढ़ने से एक तो हमारी लागत बढ़ गई, उससे हमारा जो स्टॉक रखने की कैपेसिटी होल्डिंग कम हो गई, और हम कंज्यूमर को जिस वक्त माल बेचते हैं उस वक्त उनको हम ज़्यादा रेट बोलते हैं तो हम पे बहुत नाराज होता है कि भाई एकदम से आप इतना रेट क्यों बढ़ा रहे, तो हमारे को रॉ मटेरियल फिनिश माल महंगा मिलता है, इसलिए हमको उनको मजबूरन कॉस्टली बेचना पड़ता है। रिकवरी में अभी बहुत स्थिति खराब है, जो छोटे छोटे दुकानदार है, जो छोटे छोटे कंज्यूमर है, जो हमसे माल ले जाते थे उनसे पेमेंट वापस लाने में, रिकवरी करने में हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और कई कंज्यूमर्स तो हाथ ही खड़े कर दिए कि हमारी परिस्थिति नहीं है देने की, तो उस वजह से हमारी रिकवरी बहुत ज़्यादा हो गई और हमारा डूबत का रेशो काफ़ी बढ़ गया। हमारी स्टील एसोसिएशन से यही डिमांड है कि भाई जो ये जो चैन चलाते हैं और ये जो बार बार मतलब रेट बढ़ाते हैं, कंपनी कार्टेल करती, जैसे मंडी गोविंदगढ़ से एक बेसिक चलाते हैं, वो जो बेसिक है उस पर कंट्रोल किया जाए, जो उसको अपन MTDX क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि अचानक रेट बढ़ाते हैं और अचानक रेट एकदम से डाउन कर देते हैं, उससे हमको काफ़ी नुकसान होता है और उससे कंज्यूमर का लॉस होता है, जो कंज्यूमर हमसे लोहा लेके जाते हैं उनको ज़बरदस्ती रेट में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। GST आने से स्टील बाजार को फायदा है, पर GST आने से एक ही प्रॉब्लम है कि हम जब फिनिश माल खरीदते हैं हम कंपनियों को फुल GST पेड करके पेमेंट करते हैं, बाद में वो कंपनी वाले अगर पैसा नहीं भरते हैं या वो अपना ये नहीं करते हैं, उसके बाद में हमको नोटिसेस दिए जाते हैं कि जो कि गलत है, जबकि हम ऑलरेडी GST पेमेंट करके उनसे रॉ मटेरियल के फिनिश माल खरीदते हैं, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा GST डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए Daily News 9, और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब।